मई महीने के दूसरे सप्ताह में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही प्रदेश का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। अगले 3 दिन यह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान लखनऊ मौसम केंद्र ने जारी किया है। आने वाले 3 से 4 दिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद गर्म रहने वाला है और सावधानी बरतने वाली है। गर्मी बढ़ते ही लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर सड़कों पर एक बार फिर सन्नाटा छा गया है। लोग बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो सड़कों पर नजर आ रहे हैं वो भी अपने आप को अच्छे से मुंह बांध कर और पानी की बोतल लेकर ही निकल रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक लू लगने के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से अगले 5 दिन लोगों को बेहद सावधान रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि यह 5 दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही गर्म रहने वाला है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। घर से जरूरी होने पर तभी बाहर निकले तो अपना सिर और चेहरा अच्छे से किसी कपड़े से बांध कर निकले। पानी की बोतल जरूर साथ ले लें। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश में अभी बारिश का कोई भी पूर्वानुमान नहीं जारी है। लखनऊ मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलियापुर, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जबकि इन जिलों का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुर्सतगंज, गाजीपुर, बुरई, हमीरपुर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है। फिलहाल इस खबर में।